एमपी के रीवा में भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी, 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोल जनजाति के कार्यक्रम से लौट रही थी बसें। मुख्यमंत्री शिवराज ने घटनास्थल पर लिया हालात का जायजा, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख सहायता राशि की घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फटने से लेंटर गिर गया, मलबे के नीचे दबने से 7 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी आज बिरसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन, दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा यह कार्यक्रम। पीएम मोदी सभा को भी करेंगे संबोधित। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल राजकीय यात्रा पर आज भारत आएंगे, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज से होगा शुरू, 2 दिवसीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित होगा। ओवैसी सुबह 9:30 बजे मीडिया को करेंगे संबोधित। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के सवाल पर एफएटीएफ का बयान, पाकिस्तान पर नजर बनी हुई है, पाकिस्तान में खुलेआम घूमते नजर आया था सैयद सलाहुद्दीन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने एक शख्स को मारी गोली, हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। आज बिहार के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिमी चंपारण में करेंगे जनसभा को संबोधित, इसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से डर रहेगा 33 घंटे सील, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी तैयारी। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज होगी महागठबंधन रैली, 7 राजनीतिक दलों के नेता होंगे इसमें शामिल, नीतीश कुमार देंगे बीजेपी मुक्त भारत का नारा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बोले महागठबंधन की रैली होगी तुष्टीकरण की रैली, बीजेपी करेगी सबके साथ और विकास की बात। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी रायपुर, 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा संबोधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कांग्रेस की विचारधारा मध्यमार्गी है, यही सनातनी विचारधारा है। फिर टला दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, आप बीजेपी पार्षदों के बीच में हाथापाई, 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही स्थगित, बीजेपी कोर्ट में करेगी याचिका दायर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का दावा, कहा मेयर शैली ओब्रॉय पर बीजेपी पार्षदों ने किया हमला, बीजेपी ने दिया अपनी गुंडागर्दी का प्रमाण। यूपी के प्रयागराज में बड़ी वारदात, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मारी गोली, 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, उमेश पाल अतीक अहमद के खिलाफ देने वाले थे गवाही। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक्शन में पुलिस, अतीक अहमद के दोनों बेटों को हिरासत में लिया, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें कर रही हैं पूछताछ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने फिर दी धमकी, कहा अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो इसी तरह से दोबारा प्रदर्शन होगा। राजस्थान के अलवर में 200 साल पुराने हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पाकिस्तान की कोर्ट ने गृहमंत्री सनाउल्लाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, अपने भाषणों के दौरान न्यायपालिका को धमकाने का आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की योजना है। न्यूयॉर्क में रूसी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट, यूक्रेन के समर्थन में बड़ी संख्या में जुटे लोग। यूक्रेन के खार्किव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, युद्ध का 1 साल पूरा होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। क्यूबा के जंगल में लगी आग, आग से जूझते दिखे दमकल कर्मी, प्लेन से किया जा रहा पानी का छिड़काव।